अल्की थाना अंतर्गत सोनपुर गांव के कदंदील टोला में 30 अप्रैल की देर रात सुकरू देवी नामक 61 वर्षीय वृद्धा की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने मृतक सुकरू देवी की बहू को चाकू से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इधर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्याकांड में शामिल पंकज मुंडा पिलीहातू, सनिका मुंडा पिलीहातू, पांडु मुंडा खेसाडी और मृतका का भतीजा साजिशकर्ता महादेव मुंडा को पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है। एसडीपीओ अमित कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने बताया कि घटना के बाद एसपी अमन कुमार ने एसआईटी का गठन किया, जिसके द्वारा सोमवार को खूंटी तमार रोड उलिपिली गांव जाने वाली रास्ते पर पुलिस के द्वारा अपराधियों की धरपकड़ के लिए जाँच किया जा रहा था। इस दौरान उसी रास्ते से अपाची मोटरसाइकिल में बैठकर 3 व्यक्ति जा रहे थे। इसी क्रम में चेकिंग कर रहे सशस्त्र बलों को देखकर भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस बल के द्वारा खदेड़ कर पकड़ा गया और तलाशी ली गई। तलाशी लेने के क्रम में पंकज मुंडा के पास से अवैध देसी पिस्टल समेत एक जिंदा गोली को बरामद किया। आरोपियों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में कहा है कि मृतका के भतीजा महादेव मुंडा ने हत्यारोपियों को बताया था कि सोनपुर गांव के कदंदील टोला में गुरुवाल मुंडा के घर में काफी रुपये हैं, जिसके बाद तीनों हत्यारोपी रुपये लूटने के उद्देश्य से गुरुवाल मुंडा के घर गए थे, जहां गोली मारकर वृद्धा की हत्या कर दी गई और मृतका की बहू को घायल कर दिया। एसडीपीओ ने कहा कि गुरुवार के घर में पैसे अफीम बेचकर या फसल बेचकर जमा की गई थी, इसकी जांच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 3 मोबाइल फोन समेत एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। गठित टीम में अल्की पुलिस अवर निरीक्षक इकबाल हुसैन, एसआई मनोज, बिरजू प्रसाद, शशि प्रकाश, उत्तम कुमार समेत सशस्त्र बल के। क्या घटना रात को कैसे हुआ? कितना आदमी थे? 3 आदमी थे। घुसने के बाद आपको मारे, उसके बाद क्या क्या हुआ? उसके बाद हम चिल्लाने लगे मम्मी को, तो मम्मी दरवाजा खोल के निकल रही थी और मम्मी को उठा दी, और उसके बाद हम ऊपर साइड भाग गए दूसरा लोग का घर। अब भाग गए थे? हाँ। उसके बाद गांव का आदमी सब निकला, उसके बाद हल्ला हुआ। कितने जन थे? 3। नाम हुआ आपका? मानस मुंडा। कैसे हुआ घटना और आप उसमें कहाँ थे? जी हम मेहमान चले गए थे। कहाँ गए थे मेहमान? मोटूगोड़ा। तो कैसे आपको जानकारी मिला? यह घटना होने के बाद हमको फोन किया, रात को कॉल किया था, कॉल किया। उसके बाद आ जाओ ऐसे तो कैसे हम पूछे नहीं, ऐसे ऐसा हुआ, ऐसे लोग आए थे आपको खोज रहे थे और हमको पूरा पीटा, चिल्ला रहे तो उस टाइम मामी को निकल रहे थे, उस टाइम मामी को गोली मार, उसके बाद पूरा चिल्लाई गाँव, उसको सभी लोग जमा हो गए, उसके बाद उन लोग तो भाग चुके। आपके कुछ दुश्मनी थे क्या? घर में कोई विवाद था क्या? अपना घर में तो कुछ विवाद नहीं था। तो आशंका बाहर भी नहीं था। तो भैया तो मैं बड़े पापा उन लोग के साथ थोड़ा ऐसे क्या क्या लेकर हुआ था ऐसा? वो चीज तो जमीन सामान में थोड़ा। कितना दिन पहले हुआ था? एक सप्ताह भर हो रहे। ठीक है। क्या गांव हुआ आपका? कदमडी। कल एक घटना घटी है जिसमें महिला की गोली मारी गई है, क्या है पूरा मामला? तो वो जो 31 तारीख की रात में एक अड़की थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम सोनपुर टोला कदमडी में सुकू देवी नामक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और एक महिला को घायल कर दिया गया। 3 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा इस घटना को कारित की गई थी। इस संबंध में हम लोग की छानबीन चल रही थी। इसी क्रम में कल दिनांक 1 तारीख को संध्या समय अड़की क्षेत्रांतर्गत ही खूंटी तमाड़ रोड पर उलीपीढ़ी गांव के पास हम लोगों ने चेकिंग लगाया था। उसी में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति जा रहे थे, जो चेकिंग कर रहे सशस्त्र बल को देखकर भागने का प्रयास किए। उन्हें रोकने का इशारा किया गया लेकिन वो रुके नहीं, फिर खदेड़कर उन्हें पकड़ा गया। तो पकड़ने के बाद फिर सशस्त्र बल के द्वारा रोक कर जो पदाधिकारी उपस्थित थे तलाशी लेने के क्रम में एक 3 व्यक्तियों में से एक पंकज मुंडा जो मोटरसाइकिल सवार था उसके पास से एक अवैध हथियार जो एक पिस्टल है और गोली बरामद किया गया। इसके बाद इस तरह उन तीनों से गहराई से पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि वो 30 तारीख को जो एक सोनपुर टोला कदमडीह में जो गुरुआ मुंडा के घर में एक हत्याकांड
इनके द्वारा कारित किया गया था, जिसमें जो महिला सुकुरुदेव की गोली मारकर हत्या की गई थी, उन उस कांड में तीनों अपराधकर्मियों का हाथ था। और इसके बाद फिर इन की संलिप्तता पूरी तरह से थी इस संबंध में। और पूछे जाने में बताया गया कि उसके जो रिश्तेदार थे, एक महादेव मुंडा, उसके कहने पर ही इन लोग उस घर में प्रवेश किए थे। और एक्चुअली उन लोगों का ये मंशा था कि लूटपाट के उद्देश्य से गए थे, लेकिन वो जो घर का लड़का था वो मिला नहीं। इसके बाद इन लोग जो घर की महिलाएं थे वो शोरगुल करने लगी, इसी क्रम में वे लोग घबरा कर उसे गोली मार दिया और वहाँ से भाग दिया। इसके बाद हम लोगों ने कांड दर्ज कर कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया और त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए ये तीनों पकड़े गए। इन लोगों की गिरफ्तारी पर, निशानदेही पर, अन्य जो घटनास्थल के बाद जाकर देखने पर सारी बातों का पता चला और तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तार की गई। उन गिरफ्तार व्यक्तियों में पंकज मुंडा, जिसका उम्र करीब 33 वर्ष है, पिता चोरन मुंडा, ग्राम पीढ़ी हाथों का रहने वाला है, सनिका मुंडा, पिता डाडू मुंडा, जो ग्राम पीढ़ी हाथों का ही रहने वाला है, तीसरा पांडू मुंडा, जो पिता इसके पिता का नाम लोगा मुंडा है, वो ग्राम जोजो हाटू टोला से हिसाडी, तीनों ही थाना मारांगदा क्षेत्र का रहने वाले हैं। चौथा जो महादेव मुंडा नामक व्यक्ति गिरफ्तार है, वो इस घटनाक्रम में ये बात है कि वो जो महादेव मुंडा नामक व्यक्ति है वो मृतका का ही भतीजा है। और मृतका का भतीजा जो महादेव मुंडा, उम्र करीब 31 वर्ष, पिता डोलका मुंडा, ग्राम सोनपुर थाना अड़की, सोनपुर टोला कदमडी थाना अड़की जिला कुटी का रहने वाला है, जो मृतका का भतीजा है। और इसका महादेव मुंडा से पांडू मुंडा की रिश्तेदारी है, जो पांडू मुंडा ग्राम जोजोहातू का रहने वाला है, इसकी रिश्तेदारी है। यही बताया था कि उसके घर में जाने पर तुम लोग को पैसा मिल सकता है। इस बार